पार्ट वन। इसमें एक ये क्यूबिक दे रखी है, इसको डिवाइड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी दे रखी है। तो क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से। स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे ये जो हायर पावर्स हैं इनमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये अंदर जो डिविडेंट है इसकी हायर पावर्स को एलिमिनेट करते जाना है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। तो जैसे ये देखें, ये जो टू एक्स है ये मैंने फाइव एक्स के जस्ट नीचे लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये सीधा कटेगा, इसलिए माइनस। अब ये साइन चेंज कर रहे हैं क्योंकि जब डिवाइड में माइनस करते हैं ना बाद में, तो बस ये प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो गया। ये नीचे पूरी की पूरी इक्वेशन लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये फाइव प्लस टू सेवन एक्स माइनस थ्री। अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो उसमें माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। अब वही साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये सेवन एक्स माइनस नाइन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोशेंट आ गया एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर आ गया सेवन एक्स माइनस नाइन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स की पावर फोर, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को वन से करूंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, ये प्लस हो गया तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू एक्स से, इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, या माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। वापस से साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, और इसमें अब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री। ये साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये बच गया यहाँ पर रिमाइंडर एट। तो कोशेंट निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर निकल कर आया है एट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और इसको डिवाइड करते हैं टू माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर आ जाएगा और बाकी का माइनस का टू एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये साइन चेंज, माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, उसके बाद ये बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसको करेंगे माइनस टू से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू से करेंगे तो माइनस का फोर,
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट, बचा माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे कोशेंट आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आ गया माइनस 5x प्लस 10। तो ये तीनों पार्ट हो गए अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन टू, पहला पार्ट, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, इसको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से, तो 2t स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 2t 4 माइनस 6t स्क्वायर माइनस प्लस, कैंसिल आउट, 4t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस माइनस 90 माइनस 12, प्लस 3t क्यूब माइनस 90, वही साइन चेंज, हटाया, ये कैंसिल, 4t स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4, 4t स्क्वायर माइनस 12, साइन चेंज और ये जीरो। तो हाँ, ये इस केस में फैक्टर है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसी का, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ, तो उसमें 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें, तभी जाके बनेगा ये 3x की पावर 4, तो ये बन गया 3x की पावर 4, बाकी के लिए ये बचा 9x क्यूब प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अभी माइनस माइनस माइनस, ये साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, ये हट गया, ये माइनस 4x क्यूब, ये बचा यहाँ पे माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब क्या कर रहा हूँ, अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको माइनस 4x क्यूब बनाने के लिए, माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, वही फिर से साइन चेंज, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट, ये बचा 2x स्क्वायर, ये बचा 6x प्लस 2। अब x बचा है तो प्लस 2 से कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, और ये रिमाइंडर कट के आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो इन इस केस में ये जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये फैक्टर के हिसाब से ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो सेकंड वाले में फैक्टर है, ठीक है। अब तीसरा वाला पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट है, ये डिग्री 5 की इक्वेशन है, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और क्या है इसमें, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1,
तो वही हायर पावर्स को एलिमिनेट करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बचा एक्स की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब, इसको माइनस करके माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो ये जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो साइन चेंज करेंगे ये प्लस माइनस प्लस, रिमाइंडर आया 2। तो इस केस में भी अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो दिस इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर आने के लिए रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। वो उसी तरह से है जैसे 50 का फैक्टर मेरे को चेक करना है कि ये 5 है या नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 0 0, तो जब अब तक ये 0 नहीं आते हैं तब तक फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक बाइकोडेड दे रखी है, इसके हमें दो जीरोस दे रखे हैं, एक है √5/3 एक है माइनस ऑफ √5/3, दो जीरोस दे रखे हैं हमको और हमको बाकी के दो जीरोस निकालने हैं। तो पहले देख लेते हैं, तो ये जैसे बाइकोडेड दे रखी है डिग्री 4 की, तो ये किस तरह से होगी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस √5/3 एंड x माइनस रूट x प्लस √5/3। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैंने इसको इसलिए लिखा है इस तरह क्योंकि ये जो बाइक्वाड्रेटिक दे रखी है ये इसी का मल्टीप्लिकेशन ही लिखा हुआ है और हमको ये अल्फा एंड बीटा निकालने हैं, ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में है, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और हम इसको अनस्क्रैम्बल करना है। तो यहाँ पे 3 और है, x x x x, ये x के वो मल्टीप्लाई करेंगे चारों x को, तो x की पावर 4 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 3x की पावर 4 बनेगा, तो इसका कोफिशिएंट यहां पे 3 है और ये पूरा दे रखा है, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तब जाके दो रूट्स आते हैं और बाकी के ये रूट्स हमको निकालने हैं। सी तो ये कांसेप्ट है कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है। तो करेंगे क्या हम लोग, हम लोग ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्योंकि x x स्क्वायर की टर्म्स आएंगी, तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड कर देंगे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हमको ये दोनों टर्म्स मिल जाती है, जैसे 15 लिख दिया मैंने इसे 3 × 5 से, ये इसी तरह से है या फिर थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने 60 लिख दिया 2 5 3 2। सी इसके चार फैक्टर आ गए, तो हम कर क्या रहे हैं, हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 6 है और हमने इससे 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यह जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 10, और 10 को खोल के लिखेंगे क्या बचेगा 2 × 5। ये उसी तरह से है कि ये यहाँ पे दो टर्म्स बच जाएंगे अगर मैं इन दो टर्म्स से डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं,
तो पहले इसको डिवाइड करने के लिए उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस रूट 5/3, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस रूट ओवर 5/3 से। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी की, ये क्या निकल कर आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये वही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई जिससे हमको डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसको डिवाइड करना था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। अब हम उसको वापस से उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ पे होता था एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और ये दो टर्म्स को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, और ये इक्वल टू जीरो करेंगे तब जाके ये सारे रूट्स निकल के आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सी यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे इसको 3, यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, इस तरह समझ लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 0। तो ये 3 को मैं अब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, ये हो रहा है 3x² - 5। सी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3x² - 5, और बाकी का वही x माइनस अल्फा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, और ये हमारा ये बीच वाला टर्म निकल कर आ गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ क्योंकि सामने 0 है, तो मैं अब इसको डिवाइड करूंगा, पंगा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मेरे को इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3x² - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मेरे को बस इससे मल्टीप्लाई करना रह गया है, ये है 3x² - 5। ठीक है, अब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x⁴, और ये हो जाएगा -5x². ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 6x³ + 3x² - 10x - 5। ठीक है, मैं पूरा को पूरा लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं 2x से, 2x से करते ही 6x³ - 10x, ये साइन चेंज किया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये इसको अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगी 3x² - 5। प्लस 1 किया, यहाँ पे 3x² - 5 आ जाएगा, साइन चेंज, और ये पूरा 0। तो हमारे पास क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। कैसे, जैसे वो यूक्लिड डिवीजन लीमा से करते थे ना, मैंने आपको भी बताया था, जैसे यूक्लिड डिवीजन लीमा बता देता हूँ फिर। वो जिस तरह होता था ना, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर इसमें 0 आ गया, ठीक है, और ये रहा कोशेंट क्यू, और ये रहा बी, तो वो जो बीच वाली टर्म थी वो ये निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब ये रही x² + 2x + 1, इसको मैं अब कर लूंगा फैक्टराइज, और मेरे बाकी के दो रूट निकल कर आ जाएंगे। इसको फैक्टराइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये एक्चुअली x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 0, तो x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अभी मैंने कैसे निकाल लिया, x इक्वल्स टू -1 कैसे निकाला, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स, ये सिंपल सा दिख रहा है, उसको कैसे समझाऊंगा, फिर से लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस
2x plus 1, ये एक्चुअली सिंपली x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0 के इक्वेट करूंगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। ये मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट आएंगे और ये दोनों के दोनों सेम निकल कर आए हैं, ये अलग बात है, लेकिन इसके दो रूट ही आएंगे। तो अब उस इक्वेशन के टोटल रूट क्या हो गए, एक्स माइनस रूट 5/3, ठीक है, एक रूट ये रहा एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3, दूसरा रूट ये रहा एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 थी उसकी, डिग्री 4 थी, तो चार रूट निकल कर आने थे और ये चारों रूट ये लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबिक दे रखी है हमको, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये रही क्यूबिक। इसको बोला जा रहा है कि इसको डिवाइड किया है हमने किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से, यहाँ पे था जी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इन द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर, कोशेंट आएगा यहाँ पे एक्स माइनस 2, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स करने के बाद रिमाइंडर जो बच के आ रहा है वो आ रहा है माइनस 2x प्लस 4, ये निकल कर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा है जी एक्स को निकालना है, जी एक्स निकालना है, तो इसको मैं पहले तो उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ जैसे हम यूक्लिड डिवीजन में लिखते थे। ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये रही इक्वल्स टू जी एक्स, जी एक्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 4, ये रही माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर, ठीक है, बस इतना सा काम था। अब तो सिंपल हो गई पूरी इक्वेशन। अब करेंगे क्या हम, इसको हम उस तरफ भेजते हैं, इस चीज को, अब करेंगे क्या, इसको हम इस तरफ भेजते हैं, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ इधर, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस, इसको इस तरफ, जैसे इसको इस तरफ भेजा ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसको प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन चेंज करके मैंने इस तरफ लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये फाइनली ये इक्वेशन निकल कर आई, और ये किसके बराबर है, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2, सी इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 से जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 नीचे जाएगा यहाँ पे अपॉन में और फिर जी एक्स निकल कर आ जाएगा। तो मैम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, हाँ ये बस वाली इक्वेशन को हमको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, जैसे करेंगे यहाँ पे जी एक्स निकल कर आ जाएगा, इस जगह पे जी एक्स निकल कर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, x² से मल्टीप्लाई किया, ये गया एक्स क्यूब माइनस 2x² टाइम्स माइनस प्लस कैंसिल आउट माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, एक बार और किया माइनस x से, ठीक है माइनस x है, माइनस x² प्लस 2x, अगेन साइन चेंज प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हुआ
x माइनस टू, x माइनस टू प्लस वन और ये x माइनस टू माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये माइनस है, तो हमारे पास जी एक्स निकल कर आ गया, यही निकालना था हमको, जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बस, ठीक है।